हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं हर्ब लाइफ के प्रोडक्ट्स के बारे में। दोस्तों, इसका मैंने हॉल वीडियो ऑलरेडी बनाया है, तो आप आई बटन पे जाके क्लिक कर सकते हो। वहाँ पे मैंने ब्रांड के बारे में भी बात की है और कौन से प्रोडक्ट की क्या प्राइस है वो भी है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे वीडियो जो है पुराना वीडियो भी यूज़ किया है, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स जो है ऑलरेडी फिनिश हो गए हैं तो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, और कुछ प्रोडक्ट जो ये पाउच में दिख रहे हैं वो मैंने दूसरे कंटेनर्स में ट्रांसफ़र किए हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट प्रोडक्ट है रोज़ वाटर। ये 40 रुपीज़ में मैंने परचेस किया था। इसका प्राइस अभी रिवाइज्ड हो गया, 50 रुपीज़ हो गया, प्लस आपको 18% GST एंड शिपिंग चार्जेस अलग से पे करना पड़ता है। लेकिन मुझे ये इतना खास पसंद नहीं है। ब्रांड के हिसाब से ये 100% स्टीम डिस्टिल रोज़ वाटर है, लेकिन दोस्तों ये मुझे ऐसा प्योर ऑथेंटिक रोज़ वाटर रहता है, उस टाइप का इसका फ्रेग्रेंस मुझे नहीं लगा दोस्तों। टू बी ऑनेस्ट, सच बोलती हूँ, मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं आया। मैंने इस बॉटल में इसे ट्रांसफ़र किया है तो यूज़ करने के लिए ईजी होता है, स्प्रे बॉटल है तो। लेकिन मुझे ये प्रोडक्ट बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी ऐसे ऑथेंटिक टाइप का जो प्योर रोज वाटर रहता है उस तरह इसकी खुशबू नहीं है। इसकी खुशबू एकदम पतंजलि का जैसा रहता है, उस टाइप की है, बिल्कुल भी प्योर टाइप की नहीं है दोस्तों। भले ही ब्रांड का बेस्ट सेलर प्रोडक्ट है, 100% स्टीम डिस्टिल्ड है, लेकिन मुझे ये कुछ खास लगा नहीं है और मुझे प्योर भी नहीं लगा टू बी ऑनेस्ट। तो मैं बिल्कुल भी रिपर्चेस नहीं करूंगी और आपको भी बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगी इस प्रोडक्ट को। सेकेंड है नलपामराती तैलम। ये एक स्किन ब्राइटनिंग ऑयल है दोस्तों, बॉडी और फेस मसाज के लिए आप यूज़ कर सकते हो। इसका प्राइस है 200 प्लस GST प्लस शिपिंग। ये काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। अनइवन स्किन टोन का जिनको भी इशू है वो यूज़ कर सकते हैं इसे, लेकिन इसका एक ही प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा स्टेन छोड़ता है बॉडी पे और कपड़ों पे। सो ऐसे बॉटल में मैंने इसे ट्रांसफ़र किया है दोस्तों। सस्टेनेबल पैकेजिंग है इनका, वो ही मुझे काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों। और सच बोलूँ तो मुझे बस एक ही कारण ये पसंद नहीं आया, स्टेन की वजह से, क्योंकि बॉडी पे भी स्टेन छोड़ता है वो तो फिर भी ठीक है, लेकिन कपड़ों पे जो स्टेन छोड़ता है वो धोने के बाद भी नहीं जाता है, तो इसलिए मुझे इतना खास पसंद नहीं आया। लेकिन अनइवन स्किन टोन के लिए ये काफ़ी अच्छा है दोस्तों। बॉडी मसाज के लिए आप ऑयल ढूंढ रहे हो तो ज़रूर आप इसे ट्राई कर सकते हो, काफ़ी अफोर्डेबल है ये। सो ये है बेबी बाथिंग बार दोस्तों, चॉकलेट फ्लेवर में आते हैं और बहुत ही क्यूट सा इसका शेप है, मेरी डॉटर को काफ़ी पसंद आया है। 100 ग्राम की प्रोडक्ट क्वांटिटी में आते हैं और 100 रुपये इसका प्राइस है, प्लस GST प्लस शिपिंग आपको देना पड़ता है। तो मैंने मेरी डॉटर के लिए इसे यूज़ किया और एक बात मैंने नोटिस की, 15 से 20 दिन में ये फिनिश हो गया, तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी फिनिश होता है। तो दोस्तों, मुझे लगता है इसका प्राइस जो है 130-140 तक आपको पड़ता है, तो मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव लगा और इसका इफेक्ट भी मुझे ऐसे कुछ खास नहीं लगे, एकदम नॉर्मल जैसे बाथिंग बार रहते उसी के टाइप के था। और ये फोर्थ प्रोडक्ट है, ये भी एक सोप ही है दोस्तों, रसोल सैंडलवुड सोप है, कोल्ड प्रेस सोप है दोस्तों ये। और इसमें काफ़ी सारे रसोल क्ले, फिर सैंडलवुड, कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल यूज़ किया है, लेकिन इसका भी इफेक्ट मुझे इतना कुछ खास लगा नहीं दोस्तों। एकदम नॉर्मल जैसा सोप रहता है उसी की तरह था दोस्तों। 60 रुपीज़ इसका प्रोडक्ट प्राइस है और 100 ग्राम प्रोडक्ट क्वांटिटी है, लेकिन ये भी 15 दिन में फिनिश हो गया। एक सोप 100 ग्राम का एक पर्सन के लिए 15 डेज में फिनिश होता है, तो मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा और इतना कुछ खास ऐसा इफेक्टिव भी नहीं लगा, नॉर्मल एकदम सोप था। तो मुझे नहीं लगता, मैं इसे रिकमेंड नहीं करूँगी दोस्तों, इतना मुझे खास पसंद नहीं आए ये दोनों भी सोप। फिर है फिफ्थ प्रोडक्ट है दोस्तों, एलोवेरा जेल। ये काफ़ी अच्छा है दोस्तों, मुझे बहुत पसंद आया। ये एकदम ट्रांसपेरेंट नहीं है, थोड़ा सा ट्रांजुलेंट ऐसा इसका लुक है और नॉर्मल जैसा हमारा एलोवेरा जेल रहता है उसी के टाइप का है ये। मैं कभी कभी एज अ मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ, या कभी मेरी स्किन अगर मुझे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव लगेगी तो मैं एक मोटा सा लेयर इसका लगाती हूँ और बहुत अच्छे से वर्क करता है। इसके बारे में बुरा कहने के लिए कुछ है नहीं, इसको ऐसा कुछ स्पेशल कलर या कुछ आर्टिफिशियल ऐसा फ्रेग्रेंस नहीं है दोस्तों, एकदम प्योर टाइप का है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है ये रिपर्चेस मैं कर सकती हूँ क्योंकि ये काफ़ी अच्छा है दोस्तों और प्राइस भी काफ़ी इसका अच्छा है, अफोर्डेबल है। तो ये आप इस ब्रांड से बाय कर सकते हो, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है दोस्तों और बहुत अच्छे से वर्क भी करता है। मैं एज अ मॉइस्चराइजर भी यूज़ करती हूँ और कभी कभी जस्ट एज अ फेस मास्क आप बोल सकते हो यूज़ करती हूँ। फिर मैंने परचेस किया है, ये है हेयर ग्रोथ ऑयल। इसमें भी 20 प्लस कुछ तो इंग्रेडिएंट्स है दोस्तों और ये भी 200 ml की प्रोडक्ट क्वांटिटी में अवेलेबल है, 200 रुपीज़ एक्सक्लूडिंग शिपिंग एंड GST इसका प्राइस है दोस्तों। तो ये भी बहुत ही अच्छा है। दूसरे आप हेयर ग्रोथ ऑयल आप परचेस करने जाओगे दोस्तों तो उनका प्राइस जो रहता है 500-600 ही रहेगा दोस्तों, उससे नीचे आपको नहीं आता है। तो
सो मैंने इस टाइप के पैकेजिंग में इसे ट्रांसफ़र किया। ये एक पुराना क्लींजर का बॉटल पड़ा हुआ था और इसे इस टाइप का नोजल था या जो भी पंप आप बोल सकते हो। तो ये जो पंप है डायरेक्ट मैं बालों में 2-3 बार पंप करती हूँ तो इजी हो जाता है दोस्तों एप्लीकेशन, और फिर मैं मसाज करती हूँ। मुझे लगता है 2 महीने से भी ऊपर हो गए इसे यूज़ करके दोस्तों, और मेरा जो हेयर फॉल था वो पूरा स्टॉप हो गया है दोस्तों। अब मैं 100% ऐसा नहीं बोल सकती हूँ कि इसी ऑयल की वजह से हुआ है, क्योंकि मैंने इस ऑयल के साथ और जो हेयर मास्क जो है 2-3 ब्रांड के वो भी मैंने ट्राई किए हैं दोस्तों, और मेरा जो हेयर फॉल है पूरी तरीके से रुक गया है। बस इसकी एक ही बात मुझे पसंद नहीं है, इसका फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है दोस्तों, ओनियन का फ्रेग्रेंस है। तो जिनको भी ओनियन का फ्रेग्रेंस पसंद नहीं है प्लीज़ इसे दूर रहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है ओनियन का, और मेरे जैसे जिनके नोज सेंसिटिव है उनको ये पसंद नहीं आएगा। इसे मैं वीकली एक बार चंपी करने के लिए यूज़ करती हूँ, मैं खुद के लिए भी यूज़ करती हूँ, मेरे डॉटर के लिए भी यूज़ करती हूँ। मेरा हेयर फॉल पूरा रुक गया है दोस्तों। सो मेरे डॉटर के लिए मैं वीकली 2 बार इसे यूज़ करती हूँ, तो उसके बाल थोड़े मुझे लंबे लग रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसे न्यू ग्रोथ कुछ दिख नहीं रही है, न्यू हेयर ग्रोथ मुझे कुछ नहीं लगी दोस्तों। और मेरे लिए बोलूँगी तो यस, इसने मुझे काफ़ी मदद की है मेरा हेयर फॉल रुकने के लिए, लेकिन अगेन मैंने इसके साथ दूसरे हेयर मास्क भी यूज़ किए थे, तो मैं इसे वीकली 1 बार यूज़ करती हूँ और 1 बार हेयर मास्क को यूज़ करती हूँ। तो 100% क्रेडिट मैं इसे नहीं दे सकती, लेकिन यस काफ़ी हद तक इसने मुझे हेल्प की है। मेरा जो बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था वो बिल्कुल स्टॉप हो गया है। तो यस आप इसे ट्राई कर सकते हो, हेयर फॉल हो रहा है तो ज़रूरी से एक बार ट्राई करके देखिए। ये लास्ट प्रोडक्ट हर्बल शैम्पू और मेरा सबसे फेवरेट प्रोडक्ट इस ब्रांड की तरफ से दोस्तों। एक्चुअली मैंने इसे एकदम लास्ट में ऐड किया था अपने कार्ट में, मैं सोच भी नहीं रही थी इसे परचेस करने का, लेकिन एकदम अमेजिंग प्रोडक्ट है। 130 रुपीज़ प्लस GST प्लस शिपिंग इसका प्राइस है दोस्तों। 200 ml की प्रोडक्ट क्वान्टिटी में आते हैं और 20+ हर्ब्स इसमें यूज़ किए गए हैं और एकदम अमेजिंग प्रोडक्ट है। इस शैम्पू को मैंने इस टाइप के कंटेनर में ट्रांसफ़र किया था। ये पुराना शैम्पू का बॉटल है दोस्तों और उसका लेबल मैंने निकाला है। ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों। मेरा सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है इस ब्रांड से दोस्तों ये, और ये जो शैम्पू है आपके बालों को बहुत अच्छे से क्लींस करता है, सल्फेट फ्री, और वो बहुत सारे नास्टी इंग्रेडिएंट्स इसमें नहीं है। 20+ मुझे लगता है इसमें हर्ब्स एंड वो सब जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स रहते हैं वो उन्होंने यूज़ किए हैं, और इसका फ्रेग्रेंस जो है वो जिस टाइप का वो आंवला शिके का एक जैसा फ्रेग्रेंस रहता है उसी के टाइप का है, और ये बहुत अच्छे से बालों को क्लींस करता है और बालों के जो नेचुरल ऑयल्स रहते हैं वो पूरी तरह से नहीं निकालता है दोस्तों। को ऑयल लगाते हो, चंपी करते हो और इससे धोते हो तो ये जो है बालों को पूरी तरह से मतलब उसका ऑयल नहीं निकालता है दोस्तों, थोड़ा सा ऐसा ऑयल रहता है और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है वो, क्योंकि वो ग्रीजी टाइप का ऑयली टाइप का नहीं लगता है, वो एकदम शाइनी आपके बाल दिखते हैं और बहुत ही सॉफ्ट और सफल होते हैं दोस्तों बाल। ये दोनों का ये जो कॉम्बो है दोस्तों बहुत अच्छे से वर्क करता है आप मेरे बालों के लिए, मुझे काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों। इसे मैंने हेयरमास्क के साथ भी ट्राई किया है और हेयरमास्क के साथ भी ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे से वर्क करता है। मैंने इस ऑयल को और हेयरमास्क को दूसरे भी शैम्पूज के साथ ट्राई किया दोस्तों, एंड ट्रस्ट मी दूसरे शैम्पूज जो है मेरे बालों को पूरा टोटली ड्राई करते हैं, जो भी ऑयल्स है और जो भी नेचुरल ऑयल्स है बालों के वो भी वो निकाल देते हैं, लेकिन ये वाला शैम्पू बहुत अच्छे से वर्क करता है। ये मैं ज़रूर रिपर्चेस करूंगी, ये मैं मेरे मदर के लिए भी परचेस करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने उसे बोला कि जो तुम ऐसे हेयर पाउडर्स यूज़ करती हूँ बालों के लिए हेयर वॉश पाउडर्स, उसी टाइप का एक लिक्विड शैम्पू है मैंने परचेस किया, बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो वो मुझे बोली कि मेरे लिए भी परचेस करो, मुझे भी वैसा ही प्रोडक्ट चाहिए। तो दोस्तों ये मैं 100% यूज़ करूँगी, ये मैं मेरे डॉटर के लिए भी यूज़ करती हूँ, लेकिन मेरे डॉटर के बालों के पे ये अच्छे से वर्क नहीं करता है। मे बी उसके लिए मुझे दूसरा कोई शैम्पू अभी परचेस करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बालों के लिए इतना कुछ खास है वर्क नहीं करता है दोस्तों। तो उसके बाल थोड़े से ड्राई टाइप के हैं, तो वो इतना ऐसा कुछ मॉइस्चराइजिंग ऐसा मुझे नहीं लगता है, और मैं चंपी करने के बाद भी उसके बालों पे इन दोनों को यूज़ करती हूँ और उसके बाल ड्राई ही लगते हैं। तो इतना कुछ खास इफेक्ट मेरे डॉटर के बालों पे इसका हुआ नहीं, लेकिन मेरे बालों पे बहुत ही अच्छा इफेक्ट हुआ है। बट ये जो हेयर केयर है इनका मुझे ऐसा नया हेयर ग्रोथ दिखा नहीं, तो मे बी मुझे हेयर ऑयल दूसरा अभी परचेस करना पड़ेगा, स्पेशली फॉर हेयर ग्रोथ, नए हेयर के लिए, बेबी हेयर के लिए दोस्तों। और मैंने ऑलरेडी कुछ प्रोडक्ट परचेस किए हैं दोस्तों। तो बस यही था इन प्रोडक्ट के बारे में।
सो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो जरूर इसे लाइक और शेयर कीजिए और मुझे एनकरेज कीजिए। दोस्तों कुछ भी क्वेरीज रहेगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर उसे आंसर करूंगी। और अगर आपको स्किन केयर में इंटरेस्ट है, स्किन केयर अच्छा लगता है, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। दोस्तों इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करना मत भूलिए, वहाँ पर भी मैं छोटी छोटी स्टोरीज शेयर करती रहती हूँ। डील्स डिस्काउंट कुछ भी रहेंगे प्रोडक्ट के ऊपर तो वहाँ पर भी मैं शेयर करती हूँ। इवन वहाँ पर हम पर्सनल चैट भी कर सकते हैं स्किन केयर के बारे में, कुछ भी क्वेरीज रहेगी वहाँ पर बात कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।